नमस्ते शार्क्स। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम यासर है, मैं अमेरिका से आया लेकिन मैं अभी मुंबई में रहते हैं। वाह वाह। मेरा नाम नय्यर है, हम हैदराबाद से हूँ लेकिन इटली में रहता हूँ। वाओ। एक चीज इटालियंस को बहुत पसंद है, वो उनका जलातो। इटालियंस के इसी प्यार को वी इंट्रोड्यूस्ड जलातो टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम विद अमोरे जलातो। ये सब नेचुरल फ्लेवर्स के साथ बनाता है और ये पूरा 100% वेजिटेरियन है। और अमन फिक्र मत करो, हम वीगन जलातो बनाता है। भाई मेरे को बहुत फिक्र हो रही है, मेरे को अमन बुला रहे हो। सॉरी अनुपम, मैं बहुत नर्वस है। अनुपम आपके लिए वीगन जलातो। हमारा बिजनेस B2B है, मतलब रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कैफेज को सप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा फोकस प्री पैकेज डिजिटल को स्केल करना है बिजनेस को। हमारा मिशन है स्वीट इटालियन आइसक्रीम इंडिया सब के लोग अफोर्डेबल बनाना। हमारा आस्क 75 लाख 4% के लिए। शॉक्स, इट्स अबाउट द लव। अमोरे। तो आप इटली की प्यार की भाषा हिंदुस्तानियों को सिखाने के लिए अमोरे को इंडिया में लाए हो? हाँ। यासर और जलाल आगा, आपको किसने कहा है जलाल आगा की जैसे दिखते हैं? हाँ हाँ, मेरा मामू है। आपके मामू है जलाल आगा सर? हाँ, मेरा अम्मा का भाई। सच में? हाँ। नाक नहीं देख सकते? ओ, देख तो रहा है इसलिए मैंने पूछा भाई। देखो, मेरा अम्मा मुंबई में रहता था। अच्छा, आपकी मॉम इंडियन है? हाँ हाँ, okay. और मेरा बाप हैदराबाद से, मैं पैदा हुआ अमेरिका में और बचपन से 24 साल मैं वहाँ रहता था। तो आप दोनों कैसे मिले, अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं सोशल वर्क काम कर रहा था इंडिया में और मैं फंड रेजिंग कर रहा था शिकागो में, और हम वहाँ मिला और नय्यर बोला इंडिया नीड्स गुड आइसक्रीम, और मेरा आँख खुल गया। क्यों? मैं यूनिवर्सिटी में आइसक्रीम पार्लर में काम किया, वो मेरा पैशन है। एक और चीज बोलना है, मेरा बीवी इटालियन है। ah, oh, wow. Nice. उसका नाम है क्रिस्टीना। oh, wow. हम जब भी हिंदुस्तान में आ रहे थे, मेरा बीवी क्रिस्टीना बोल रहे थे इधर तो पास्ता तो मिलता, पिज्जा तो मिलता, मगर जिलाटो किधर है? तो क्रिस्टीना बोले, देखिए अगर आप हिंदुस्तान को जा रहे, कम से कम सबसे बेहतर जिलाटो लेके जाना होता। तो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। मैं यहाँ एक देख रहा हूँ, लिखा है सिंस 1960। हाँ। तो 60 साल के बाद। हाँ। क्या आंखें खुली कि आप लोग उठ के कहा कि फंडिंग रेज करते हैं? क्या हुआ? हमको मालूम है ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हम एक अवार्ड विनिंग इटालियन जलातो मेकर शेफ के साथ पार्टनरशिप किया। ये जलातो शेफ हमारा घर के पास था, फेमस था इटली में। तो हम बोले कोस्टांजो को, आप एडवेंचर तैयार है करने के वास्ते? आप बहुत क्यूटली एक्सप्रेशन दे रहे हो। सी पार्लो इटालियानो। मा चर्तो के पार्लो इटालियानो। उनो पकीतो। Vieni, parliamo. That's all I can speak. Done. English mein problem hoti hai, ab Italian mein baatein kar rahe ho. You have an opportunity to practice, Keiko. Hamara prize winning Italian gelato chef Costanzo abhi aayenge tasting ke waste. Wo yahan hai. Haan. Laiye, deri mat kijiye yaar. Costanzo. Costanzo. Rakesh, Costanzo ke saath. Ciao. 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 Okay, my name is Costanzo. I'm a technical director and co-founder in Amore, and I'm Italian. 1960, Costanzo ka dukan chalu ho gaya. Aur wo recipes Indian chef Rakesh ke saath adapt kiya. Ciao. Yahan? Ciao. India mein. Can I ask you a question? All these are gelatos, right? Yeah. They're good in taste?
Absolutely. Can we try? Yes. Absolutely. Yes. I'm about to call you, sir. आजा अनुपम आपके लिए पांच वीगन फ्लेवर्स हैं। Oh my God! I don't want to. Mamma mia! Thank you. Yummy! Love it. The sorbet I have. You know this has been made just for you. तो खत्म करना है ये. मैं कोस्टांजो के साथ आइसक्रीम सर्व करेंगे. It's a very nice. Which one do you want to try? I want vanilla cinnamon. Nami, vanilla cinnamon for you. Anupam. Which one is this? That's vegan banoffee. This is so good, huh? Mucho bueno. Bravo, bello. Molto buono. Molto buono. Sorry, I confused with Spanish. Thank you. Thank you. I appreciate it. Constanzo, Rakesh. Thank you, it was amazing. Like, thank you so much. देखिए मेरे को टेस्ट अच्छा लगा बट एक नॉर्मल आइसक्रीम जेलाटो और सॉर्बेटो में फर्क क्या होता है जेलाटो दूध के साथ बनाता है और सॉर्बेटो पानी के साथ सॉर्बेटो 100% फैट फ्री होता है आइसक्रीम बहुत फैट आता है क्यों बहुत ज्यादा क्रीम डालता है और लेस मिल्क जेलाटो लेस क्रीम डालते और ज्यादा दूध डालता है आइसक्रीम से ज्यादा लो फैट है और डेंस है फ्लफी नहीं है आइसक्रीम में हवा ज्यादा होती है इसमें हवा नहीं है आई एग्री तो ये आपने बिजनेस शुरू कब किया यहाँ इंडिया में 2006 चालू किया जेलाटो का इंडिया में कुछ ज्यादा सही बात बोल रहे ये जेलाटो आइसक्रीम एक ही जैसे है करेक्ट ये सिर्फ प्रीमियम आइसक्रीम है हमारा विजन क्या है ये अफोर्डेबल लग्जरी देना चाहता है सब लोग को जैसे अभी एक स्कूप लिया हमने जेलाटो का कितने का आता है 60-70 रुपीस ऑनलाइन बेच रहे हैं आपको पता है अगर आप ज्ञानीज या बास्किन रॉबिंस चले जाओगे तो 120 रुपीस की नॉर्मल होती है उनकी हाँ। उससे भी फर्क नहीं पड़ता तो आपकी तो प्राइस वाइज तो ऐसा प्रीमियम है ही नहीं आपको लगता है कि अगर इसको इटालियन आइसक्रीम करके बेचें तो ज्यादा डिमांड आ जाएगी वर्सेस जेलाटो करके बेच रहे इट्स अ पॉइंट टू कंसीडर या इट्स अ गुड पॉइंट अभी कितनी शॉप्स हैं आपकी शॉप्स अभी 6 है लेकिन वो हमारा हिस्ट्री है कोविड के टाइम हमारा 95% का सेल्स बंद हो गया 9 months shops किचन क्लोज्ड एंड हमारा सिंपल चॉइस था क्लोज और ट्रांसफॉर्म हमारा 12 एम्प्लॉइज सुपर हीरो एम्प्लॉइज बोले हम सारी सैक्रिफाइस करेंगे मगर हमारे बंद नहीं करिए और हमारा शेफ्स वर्क करे ये रेसिपीज ट्रांसलेट करना प्रीपैक फॉर्म में विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी केकू आर्टिजनल मॉडल लोकल डिलीवरी और नो स्केलेबिलिटी समझ हम प्रॉब्लम्स देखे केकू सिंक्रोनाइजेशन नहीं था तो हम ये टेस्ट करे 6 महीने में जब कोविड ओपन करे एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट चालू हो गया हम बोले B2B ट्रेड चालू करें और ये B2B ट्रेड हमारा फिक्स कॉस्ट कवर करें और हमारे co-founders इन्वेस्टमेंट करें 1 crore इन्वेस्टमेंट प्री पैकेज रेंज को तैयार करना ओके और ये साल अप्रैल से अब तक हमारा प्री पैकेज रेंज हम टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ 4 डार्क स्टोर्स हम चालू करें तो ये महीने की सेल्स क्या हो गई आपकी 35 लाख हो जाएंगे और उसमें डार्क स्टोर्स कितना एंड और ये जो बाकी जेलाटो स्टोर है 5 लाख पकड़ो डार्क स्टोर्स और 30 लाख अभी भी वो ट्रेडिशनल बिजनेस से आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो B2B से आ रहा है ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा मतलब मैं शायद नहीं समझ नहीं क्यों मैं बता रहा हूँ ना क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता ना लोगों को आइसक्रीम खानी है जेलाटो से फर्क नहीं पड़ता वही मैं कह रहा हूँ जब आया कोविड उसके पहले आपका एनुअल सेल्स कितना था 6 crore 6 crore साल महीना क्या कहना चाहते साल साल ओके मेरा डिसीजन बन गया है सो अभी प्राइम बिजनेस जो है वो B2B वाला है विच इज वाइट लेबल जहां ब्रांड नहीं है अमोरे ब्रांड का बिजनेस प्री पैकेज फॉर्म में अभी सिर्फ 5 लाख का मंथ का है तो टू अर्ली है ये फिगर आउट करने में कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या एग्जैक्ट प्राइस है वो 60 रुपए है कि 150 रुपए है तो अभी मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर मैं आपके साथ इसमें नहीं जुड़ पाऊंगी पर आई रियली होप कि आप ये इटालियन प्यार इंडिया के घर घर में पहुंचा पाएंगे थैंक यू
कोविड के पहले भी लूं तो कोई बहुत स्केल्ड अप बिजनेस नहीं बन पाया था। 50 लाख रुपए महीने की सेल थी, यानी कि 6 करोड़ की। पैशन के लिए परस्यू कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि धंधा नजर नहीं आ रहा इसके अंदर अभी तक। आज मैं बाहर होना चाहूंगा। थैंक यू। तो ये जो कैटेगरी है, वेदर इट्स बुराटा और जेलाटो और मैक्रून्स, ये सब जो मास प्रीमियम कैटेगरी, एज अ टाइम बढ़ने वाला है। बट फॉर इट टू गेट अ स्केल, इट्स गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत पेशेंट लॉन्ग टर्म जर्नी है, व्हिच आई विल नॉट बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड सो आई एम आउट। थैंक यू। प्री कोविड काम करके आपने 6 करोड़ का बिजनेस बनाया, वो दोनों के बीच में उससे तो आपकी इनकम या घर तो नहीं चल सकता। आपने कहा आप मैरिड हैं, तो जरा ये बात समझा सकते हैं मुझे कि खर्चा कैसे चल रहा है? मेरा रोल है गाइडिंग फाउंडर। हम को-फाउंडर और डायरेक्टर है 4 अदर बिजनेसेस, इंग्लैंड में, इंडिया में और इटली में। तो प्राइमरी आप हैं जो धंधा चलाएंगे, तो आपकी इक्विटी कितनी है? हमारा इक्विटी 50% है। मेरा 30% है। ओके। और कोस्टांजो और राकेश, हमारा टीम 5% फॉर द मैनेजमेंट। और बाकी 15%? एक एंजल इन्वेस्टर अमेरिका में। कितना रेज किया आपने? $300,000। एट व्हाट वैल्यूएशन? $1 million प्री मनी। आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए अभी, हाउ बिग अ ब्रांड डू यू थिंक दिस कैन बी इन 3 years? By the end of this financial year, we want to be at 6 crores, then at 21 crores. Tell me how you'll get to 21 crores. It's all dark store expansion. We focus on 5 cities, Hyderabad, Bombay, Pune, Bangalore, and Delhi. I think, you need somebody who can help you understand the Indian consumer very well. Aur main wo banda nahi ban sakta for some reason. So, main abhi out. देखिए प्रॉब्लम है आपकी कैप टेबल में। प्रॉब्लम ये है कि यासर ओन्स ओनली 50%। यू कैन नॉट हायर समबडी विद गिविंग 1 or 2% ऑफ इक्विटी इन अ बिजनेस दिस साइज एंड एक्सपेक्ट कि वो आपके लिए बहुत बड़ा धंधा बनाए। सेकंड प्रॉब्लम इज आपका धंधा चल रहा है आज 5 लाख रुपए महीने का, मतलब 60 लाख रुपए साल का। बाकी सब बिजनेसेस को मैं नहीं गिन रहा, द ओनली बिजनेस दैट मैटर्स इज दिस बिजनेस। You are at a 60 lakh run rate, my friend. Which means I can't value you more than a couple of crores. So, main kuch bhi offer do, it will not make sense. Is wajah se, main aaj out hoon. But one question. Sure. What about if we achieve 80 lakhs per month, which is our March target? In this business? Yes. I will give you 75 lakhs and I'll take 7.5% of your company. Under those conditions? Under those conditions. Do it. Let's do it. You have a deal? Yeah, we have a deal. Yeah, have a deal. What? Okay. What just happened? Ye out okay in ho jate. Wow. And what quick decision making. Amazing. We want Anupam. He has Italian DNA. So that's right. We are so happy to have a shot. You know what I that. Just did? I made you an offer you cannot refuse. Now he's sounding like the Godfather. I didn't think this was going to happen, but oh I'm glad it God. Did. At least I get a lifetime of ice cream. You remember the yes, conditions, absolutely. Right? Absolutely, that's right, fair. Bro. Anupam, great. Glad great. To have you on board. Grazie thank you. Bello. Thank you. Grazie. Thank you. All right. Amazing, amazing, amazing. I think that was a good deal. And yeah. Crores of sales a year. Yeah. Happy. Very happy. Yeah.